Gujarat Titans बनाम Delhi Capitals. अपील अपील रचनात्मक शॉट खेलने की कोशिश. सोच रहे DRS के बारे में. ले लिया DRS. And the ball's right next to the bat. There's a spike as the ball is on the bat. Clear evidence that the ball has been struck. और दिल्ली कैपिटल्स को मिलेगी पहली विकेट टाटा न्यू बॉल के साथ. 49 मैचेस खेले, 716 रन बनाए, 126 के स्ट्राइक रेट से. बढ़िया शॉट, बढ़िया टाइमिंग. ऑफ द मार्क विजय शंकर चौके के साथ. ये छोटी गेंद यहाँ पे कड़क है. शुभमन गिल कड़क शॉट, स्क्वायर कट. शुभमन गिल के बल्ले से एक और चौका. ये देखो, थोड़ा सीखना होगा शुभमन गिल से. कुलदीप यादव पहली गेंद में सफलता. बहुत अच्छे अंदाज से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे पहले मुकाबले में भी, और इस मुकाबले में शुरुआत धमाकेदार. दूसरा विकेट गिर चुका है गुजरात का, 44 पे 2. हार्दिक पांड्या 4 नंबर पे आए हैं, 1509 रन, लेकिन कुलदीप यादव कॉन्फिडेंस में ग्रो किया. ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी. ये रीड नहीं किया बैट्समैन ने, हार्दिक, और लकी बाउंड्री. शॉट ऑन जैब, यहाँ पे खतरनाक खिलाड़ी हार्दिक पांड्या. बहुत अच्छा शॉट. ये गैप में खेला, जोर से मारा नहीं. Rupai on the go for. कुलदीप यादव, ओह पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, उसका पूरा फायदा उठाया शुभमन गिल ने. शानदार अर्धशतक शुभमन गिल के नाम. वक्त लिया अपना, लेकिन उस वक्त का पूरा फायदा उठाते हुए 50 पे है नाबाद, 32 गेंदों में शुभमन गिल. और कड़ाकेदार शॉट. इस्तेमाल किया पेस का इस बार और खेल दिया पीछे की तरफ. और हवाई फायर सीधा रोमन के हाथ में, जिनके हाथ से छिटका जरूर था, लेकिन दोबारा लपक लिया उस गेंद को. आखिरी ओवर थोड़ी सी ऊपर थी गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया शुभमन गिल ने. इस बार हाथ खोलने का मौका दिया था और चूके नहीं बल्लेबाज. 4 रन. बढ़िया शॉट, 6 रन. वाह, सीधे खेला तीर की तरह, 6 रन के लिए. इस बार करारा शॉट लगाया, देखना होगा पार कर पाएंगे नहीं. वहां मौजूद थे फील्डर, और एक आसान सा कैच अक्षर के लिए. खलील ने एक बार और झटका दिया, पहले हार्दिक पांड्या को आउट किया, अब आउट किया इन फॉर्म गिल को. गिल ने बनाए 84, 145, 4 के नुकसान पे गुजरात. खलील अहमद हैट्रिक पे, सामने राहुल तेवतिया. यॉर्कर की कोशिश, लेकिन गेंद थोड़ी लेग स्टंप पे, और आते ही बिजीनेस दिखा दी अपनी राहुल तेवतिया ने. और एक विकेट मिल सकती है कि नहीं. 4 पुल कर दिया है, कमाल का शॉट है, गैप में है, 4 रन है जी. नकल बॉल का इस्तेमाल, गेंद हवा में, बल्ले पे बहुत ज्यादा अच्छे से गेंद आई नहीं, फील्डर नीचे, और मौका छोड़ा ललित यादव ने. गया है कैच स्पेक्टेटर के पास, लेकिन ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, फील्डर नीचे. इस बार कोई गलती नहीं शार्दुल ठाकुर की तरफ से. तेवतिया का विकेट चटकाया मुस्तफिजुर रहमान ने. और एक विकेट. आखिरी गेंद राशिद खान फिर बीट करते हुए, बहुत ही कंजूसी वाली ये ओवर, रन आउट से जरूर बचे लेकिन आए सिर्फ इस ओवर में 4 रन, ली 2 विकेट, कई हद तक आखिर में रोकते हुए मुस्तफिजुर गुजरात टाइटंस की ये टीम को। 171 का स्कोर अर्जित किया है गुजरात टाइटंस ने दिल्ली को। 3 शॉट, स्ट्राइक रेट 147 का। जिम साइफर्ट दूसरे सलामी बल्लेबाज। मोहम्मद शमी, और इस बार गैप में खेल दिया और शुरुआत इनिंग्स का चौके के साथ, और यह विकेट पहली गेंद पे। जरूरत थी एक अर्ली ब्रेक थ्रू की, हार्दिक पांड्या, और ये जो पैतरा चला है ये कर गया है काम टाइटंस के लिए। साइफर 3 रन बना के आउट, 8 पे 1 डीसी। मनदीप सिंह स्ट्राइक रेट 124 का। इस तरफ लंबी है बाउंड्री लेकिन फिर भी पहुंच ही जाएगी गेंद बाउंड्री तक। ये अच्छा शॉट है, थोड़ा सा मौका मिला था, थोड़ा सा ऊपर इस बार गेंद को किया, मोहम्मद शमी ने पूरा फायदा उठाया। बेहतरीन शॉट चालाकी के साथ और बटोरिए 4 रन। इस बार बल्ले के बीचों बीच, और ओवर समाप्त होगा चौके के साथ। 12 रन कुल ओवर से, 4 के बाद 32 पे 1। तेज गति से डालते हैं लॉकी फर्गसन, शॉर्ट पिच गेंद और फंसाया पृथ्वी शॉ। इस पिच में थोड़ा सा तेज डालने को देख रहे हैं, अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया लॉकी फर्गसन और पृथ्वी शॉ को वापस दिखाए पोलन गिरा। 2499 रन आईपीएल के करियर में। ये भारी किनारा, बार बार उसी लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे थे, फंसा रहे थे, और इस बारी भारी किनारा, गति और परेशान करती हुई गति। 34 पे 3 दिल्ली कैपिटल्स। ये अच्छा शॉट ललित यादव का, चौका। शॉर्ट आर्म जैब के चलते ऋषभ पंत हाथ खोलते हुए, भाग्यशाली, और 4 रन मिलेंगे वहां पे। स्लैश करना है तो जोर से कीजिए, वही किया ऋषभ पंत ने। गति का इस्तेमाल किया था, लेट खेले, सिर्फ दिशा दिखाई। ऋषभ पंत का बढ़िया शॉट, स्लॉग स्वीप, कैचेट की मांग है लेकिन ऊपर से निकल गई, फ्लैट छक्का। अतईमान पहली गेंद पे स्वागत किया उनका चौके के साथ, ताकत नहीं नजाकत भरा चौका। रचनात्मक अंदाज में ऋषभ पंत, डायरेक्ट हिट, अगर होता तो और शायद करीबी मामला होता। क्या सही समय पे पहुंच पाए ललित, आउट, बड़ी विकेट यहाँ पे। ललित यादव 25 रन बना के रन आउट हुए, 95 पे 4। 1866 रन 134 के स्ट्राइक रेट से, चौके के साथ ओवर की समाप्ति, और 100 रन भी पूरे हुए, 100 पे 4। ऋषभ पंत से बल्लेबाज के सामने छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाद, चौके के साथ शुरुआत की। लड़ाई लड़ाई यहां पे करते हुए रोमन पावल, गेंद हवा में जरूर है, फील्डर नीचे, बहुत बड़ा विकेट दिलाया सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने। ऋषभ पंत की विकेट, कप्तान की विकेट। 43 रन की ऋषभ पंत की ये पारी। अक्षर पटेल आए हैं बल्लेबाजी करने, ये बढ़िया शॉट लेकिन मिसफील्ड, फुल शॉट, छोटी गेंद, करेक्ट टाइमिंग अक्षर पटेल की, लेकिन यहां पे अपील और ये छोटी गेंद पे अपनी विकेट गंवाएंगे। एक और विकेट लेते हुए लॉकी फर्गसन मुश्किल ओवर डालना इनका काम है। यहां पे पूरी तरह से चकमा दिया विकेट कीपर मैथ्यू वेड को राशिद खान ने, पिक नहीं कर पाए। अपील जरूर, लेकिन क्या बिल्कुल विकेट चटकाते हुए, वेड भी स्ट्रगल करते हुए, लेकिन यहां पे मांग करेंगे DRS की शार्दुल ठाकुर। Okay, well, that's pitching outside off. Impact is in line and wickets is hitting. I'll get you to stay with your decision. I'll tell you when you're on screen. सातवीं विकेट गिराते हुए दिल्ली कैपिटल्स की 134 पे 7। कुलदीप यादव नए बैट्समैन क्रीज पे, ये अच्छे अंदाज से सिर्फ दिशा दिखाएगी। ये क्या करीबी मामला हो सकता है, स्टंप्स के बिल्कुल सामने पाए गए मोहम्मद शमी। बाकी के गेंदबाजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने रोमन पावल की विकेट ले ली तो ये मैच पूरी तरह से DRS लिया। Okay, well, that's his ball tracking. Impact is in line and wickets is hitting. Stumps के बिल्कुल सामने पाए गए। बड़ी विकेट लेते हुए रोमन पावल की 143 पे 8 दिल्ली कैपिटल्स। बाहरी किनारा, बैक टू बैक डिलीवरीज में 2 विकेट्स यहां पे मोहम्मद शमी की। ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच मोहम्मद शमी बन सकते हैं। 0 पे विकेट, 143 पे 9 दिल्ली कैपिटल्स। मुस्तफिजुर सामने हैट्रिक बॉल, वही कोशिश थी, बूंदे से यॉर्कर से चूके, कोशिश पूरी यॉर्कर की। ये बड़ा शॉट कुलदीप यादव के बल्ले से 6 रन के लिए। स्लॉग स्वीप, एक ही रन, यानी कि गुजरात टाइटंस ये मुकाबला जीतती हुई